ఎంఆర్ న్యూస్ గొప్పగా ఇంకా డెవలప్ కావాలని చెప్పి వారికి సోదరులకి बीआरएस पार्टी एमएलए एस्पिरेंट कैंडिडेट लास्या नंदिता ने आज एक्सपोर्ट मेंबर अनिता प्रभाकर की रिक्वेस्ट पर वार्ड नंबर 3 मटफोर्ड डबल बेडरूम कंटोनमेंट क्वार्टर्स श्रीराम नगर अंबेडकर नगर गांधी नगर बैरियर्स लाइन के इलाकों में अपना इलेक्शन कैंपेन करते हुए वहां की आवाम से मुलाकात की। वहाँ की आवाम ने लास्या नंदिता को मुबारकबाद देते हुए भरोसा दिलाया कि वो ही जीतेगी। लास्या नंदिता ने वहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस तरह उनके वालिद मरहूम एमएलए सायना ने आवाम की खिदमत की है, वो भी उसी तरह आवाम की खिदमत करेगी। इनके साथ इस इलेक्शन कैंपेन में ब्रेवरेज कॉरपोरेशन चेयरमैन गज्जला नागेश, मरहूम एक्स बोर्ड मेंबर प्रभाकर के बेटे साई किरण श्रीनिवास, यूथ लीडर अनिल परशुराम और तमाम बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता साथ मौजूद थे। एक्स वाइस प्रेसिडेंट जंबाना प्रताप साहब ने आज कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके वार्ड नंबर 3 मटफोर्ट ओल्ड बस्ती का दौरा किया और वहां की आवाम से मुलाकात की, जहां पे आवाम ने इन्हें बताया कि उनके घरों के पास की रोड से लेकर केजेआर गार्डन तक रोड मट्टी जमा होने की वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। जंपाना प्रताप साहब ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ की मदद से जेसीबी मंगवा कर वहाँ पर उस रोड की सफाई करवाई आवाम ने, जिसके बाद जंपाना प्रताप साहब का शुक्रिया अदा किया। इनके साथ इस दौरे में दफेदार राजेश, अजीजुद्दीन, विनोद कुमार, महेंद्र और मजरुद्दीन भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी हाई कमांड ने ब्रेवरेज कॉरपोरेशन चेयरमैन गज्जला नागेश को कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का इंचार्ज बना दिया है, जिसके मौके बीआरएस पार्टी सीनियर लीडर सत्यनारायण गौड, जंगली राजू, यासीन अब्बू, नागेश यादव, भास्कर शिवा, नरेश गौड, वेणुगोपाल, रमेश शेखर, परवेश खान, महिला कार्यकर्ता मिसी पद्मा, बाबू अम्मा ने मिलकर इन्हें मुबारकबाद दी, जिसके बाद गज्जला नागेश साहब ने एक प्रेस मीट रखी। आइए सुनते हैं इस प्रेस मीट की तफसीलात। श्री तारक रामाराव गारु वार आशीस्सुलतो मैं कंटोनमेंट निजकवर्ग एन्निक इंचार्ज नियमितुकु वारिकि मोदटिसारिगा वारिकि धन्यवादालु तेलियजेस्तू मरि अदे विधंगा ईरोजु जरुगुतुन्न राजकीयंलो चूस्तुंटे बीआरएस पार्टी తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్పీడ్గా కారు స్పీడ్ దూసుకువెళ్తున్న తరుణంలో మరి ఈరోజు
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమి చేయాలి దిక్కు తోచక ఎం మాది పని అయిపోయింది ఏదో ఒక రకంగా ప్రజల యొక్క మైండ్ డైవర్ట్ చేయాలని కుత్రలు కుటంత్రాలతో మరి ఎంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అలజడులకు తావివ్వకుండా శాంతి సామరస్యంగా జరుగుతున్న పరిపాలన లోపట ప్రజల లోపట ఒక అభద్రత మన ప్రజలను ఒక రకంగా వారి యొక్క మైండ్ సెట్ इसी के साथ आज की न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल होती है। ट्विन सिटीज़ की और खबरों और जानकारियों के लिए MR News चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।